जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं फिर प्रकाश एक बार आपके लिए लेके आया हूँ पार्ट टू CIMS के बारे में जानकारी। अब की बार हम दूसरे ऑप्शन में चलेंगे, कैंटीन मैनेजर। कैंटीन मैनेजर के अंदर ऑप्शन आते हैं ओपन कैंटीन फॉर द डे, क्लोज कैंटीन फॉर द डे, क्लोज कैंटीन फॉर द मंथ। ये ऑप्शन हमारे यूजेबल है, जो कि हम महीने के लास्ट में कैंटीन क्लोज़ करते हैं और दूसरे दिन 1 तारीख को नई कैंटीन स्टार्ट करते हैं। तब जैसे एग्जाम्पल पे इस पर क्लिक करेंगे, ये अभी इसलिए इसे बता रहा क्योंकि अभी कोई महीने का एंडिंग नहीं हुआ है और नया नहीं हुआ, नहीं तो ये ऑप्शन आएगा, इस ऑप्शन को सेव करना है। सेव करने के बाद आपको दूसरे ऑप्शन में जाना है। अभी यहाँ से बैक लेके चलते हैं और इसी कैंटीन मैनेजर के अंदर दूसरा ऑप्शन है कि इनवॉइस। इनवॉइस के अंदर हमारे को ये ज़रूरत पड़ती है जब कैंटीन नई आती है और उसके अंदर फीडिंग करके जो आइटम्स की प्राइजिंग करने के लिए, ये ऑप्शन है रिफंड बिल अप्रूवल। ये बिल जब कोई बिल में मिस्टेक से कस्टमर गलत आइटम ले लेता है या फिर गलत आइटम कट हो जाता है तो उसमें उसको रिफंड कैसे किया जाता है, तो इस रिफंड ऑप्शन पे हम बिल पे अप्रूवल करते हैं, क्लिक करते हैं। इसमें अभी कौन सा बिल है, ग्रोसरी का बिल है या लिक्वर का, तो जैसे एग्जांपल पे एक करके देखते हैं, ग्रोसरी का बिल है, ग्रोसरी का बिल है तो उसको यहाँ पर ये ऑप्शन खुल गया। तो अभी ये आज का हाल फिलहाल हमारे पास में कोई डाटा है नहीं, तो हम डेट पीछे की चलते हैं, ये कर लेते हैं, सर्च ऑप्शन को क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे जो भी कल का बिल थे पूरे बिल आ गए। इसमें से कोई भी एक बिल को हम अप्रूव करना है, जैसे यहाँ से इसको क्लिक कर देंगे और बाद में सेव करेंगे तो ये बिल अप्रूव हो जाएगा, इसको रिफंड कर सकते हैं। रिफंड हम उसी भी मतलब काउंटर से कर सकते हैं जो ऑपरेटर काउंटर है, बिलिंग काउंटर है, ये है सिस्टम PC, तो इस पर नहीं कर सकते हैं, तो ये आपको बता दिया क्योंकि बाद में वहाँ बिलिंग काउंटर पर जाके उसको हम कर सकते हैं रिफंड। फिर कैंटीन मैनेजर में चलते हैं, डुप्लीकेट बिल ग्रोसरी का करना है या लिक्विड का करना है, सेम वही प्रोसीजर है, ग्रोसरी या लिक्विड पे क्लिक करेंगे। आज कोई बिल का डाटा नहीं है इसलिए कल का हम डाटा चेक करेंगे, ये 16 पे आ गए, फिर बाद में सर्च करेंगे, इसमें बिल में यहाँ पे क्लिक करके सेव करेंगे तो ये डुप्लीकेट बिल के लिए अप्रूव हो जाएगा और बिलिंग काउंटर पे सेम कार्ड में जाके जो डुप्लीकेट बिल और ये रिफंड बिल उसी कार्ड से होगा जिस कार्ड से बिल कटा है। ये डुप्लीकेट बिल तक हो गया है। ये ऑपरेटर पिन, ऑपरेटर पिन जो होता है जब सिस्टम कार्ड ब्लॉक हो जाता है या फिर हमारे फिनफेड रीडर के अंदर जो बिलिंग काउंटर पे जो OSM कार्ड डाले हुए हैं वो ब्लॉक होता है, इस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है, इसको क्लिक करेंगे और वो कार्ड हम यहाँ पे फिनफेड रीडर में डालेंगे। फिनफेड रीडर में डालने के लिए अनब्लॉक पिन, उसके बाद में ऑटोमेटिक यहाँ पर अनब्लॉक करके अपडेट लॉग आएगा उसमें हो जाएगा। फिर दूसरा व्यू पिन, पिन देखने के लिए व्यू पिन करके यहाँ पे सेव किया जाएगा तब व्यू पिन होगा। अभी दूसरा ऑप्शन है ग्रोसरी बुल्क। ग्रोसरी बुल्क के अंदर ये ऑप्शन हमारा काम का है तब इश्यू टू मिनी बुल्क, जब बुल्क सामान आता है नया और बुल्क में ट्रांसफ़र होके फिर बाद में मिनी बुल्क में ट्रांसफ़र करना पड़ता है तब इश्यू टू मिनी बुल्क ऑप्शन का उपयोग होता है। बाकी ये डिमांड है, यहाँ से नया डिमांड क्रिएट करते हैं, कैसे क्रिएट एंड एडिट, यहाँ पे जो भी ग्रुप है वो सिलेक्ट करके ग्रुप के अंदर ABC करेंगे, ये पूरा जैसे डिमांड बनी हुई है हमारी पहले से, जो नहीं होगा तो नया इंडेक्स नंबर फिट करना, तो इंडेक्स नंबर मार के इसको वापस यहाँ पर सेव किया जाता है, जिसमें नए डिमांड डिपो के लिए CD भेजी जाती है और डिपो वहाँ पे अप्रूवल करता है, जो नंबर नहीं मिलता है वो TNA हो जाता है, टाइम नॉट अवेलेबल, बाकी इंडेक्स जो अपना निकालता है वो चार्ट और उसमें चार्ट में दे देता है और हम कलेक्ट करके लेकर आते हैं, तो इसको वापस ग्रुप को सेव करना पड़ेगा। ड्राफ्ट डिटेल आर अपडेट सक्सेसफुली, ओके, वापस होम में जाना पड़ेगा। बाकी सब ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अंदर दो ऑप्शन बच गए मेन है, ये ग्रोसरी मास्टर, इस ग्रोसरी मास्टर के अंदर हम ये 5-6 ऑप्शन हैं वो मेन है। जनरली ये एड इन्वेंट्री, इसमें नया आइटम जब डिपो के अंदर कंपनी की तरफ से आता है नया आइटम कोई नया इंट्रोड्यूस, उसको कैसे ऐड किया जाता है, तो यहाँ पे ये प्लस ऑप्शन में क्लिक करेंगे, ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा यहाँ पे स्क्रीन, इसमें ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, 1 ग्रुप का है और क्या नंबर का है, तो नंबर जैसे मार देंगे तो ये नंबर 7 फिगर का होना चाहिए, 0 ये होके फिर बाद में लास्ट में अल्फाबेट होना चाहिए। ये अल्फाबेट होने के बाद में ये जैसे अभी ये वंडर क्लीन का मतलब इंडेक्स नंबर तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, यहाँ पे
ये पुलमो नंबर आएगा, फिर आइटम डिस्क्रिप्शन डालेंगे, आइटम का नाम डालेंगे और उसका जेनरिक हेड क्या है, नॉन है, बॉक्स में है, बैग में है, जो भी क्या है इसमें ये फिलअप करना पड़ेगा। फिर MPP ये ऑटो फिल होती है, कैश पे कितने का है, 12 का कैश है, 48 का कैश है, जो भी इसमें फिल करेंगे। फिर बाद में टैक्स प्राइस ज़ीरो होगी, मैक्सिमम क्वांटिटी इसमें 999, 3 बार 9 भरते हैं कि मतलब मैक्सिमम क्वांटिटी ऑर्डर इतना कर सकते हैं, और री ऑर्डर लेवल भी सेम 999 होगा। फिर आइटम कौन सा कैटेगरी का है उस कैटेगरी के अंदर सेलेक्ट करेंगे, जैसे ये जीरो जो FD आइटम है, नॉन FD, और इसमें 4 है वो FD आइटम। जो FD आइटम वो होता है जो 1500 से ऊपर का होता है, नॉन FD आइटम जो 1500 नीचे जनरली घरेलू यूज़ के लिए उपयोग होता है वो सामान होता है। पर क्वांटिटी में यहाँ पे एक फिलअप करेंगे, पर क्वांटिटी की रेट कितनी है, जो भी 20 रुपये 30 रुपये जो भी है वो यहाँ पे फिलअप करेंगे। और देन ये रिस्ट्रिक्टेड आइटम, नो रिस्ट्रिक्टेड कोई नहीं है, ये इसमें फास्ट मूविंग आइटम है, मीडियम है, स्लो मूविंग है, ये स्लो मूविंग में जो भी क्लिक करेंगे उसके बाद में हम वापस सेव करेंगे। अभी मैंने यहाँ पे डिटेल नहीं भरी है, इसको वापस बैक जाऊँगा मैं, बैक जाने के लिए आर यू वांट टू सेव करंट वाउचर, यस नहीं होगा ये तो इसको सीधा होम में जाना पड़ेगा। ओके इसमें टाइम लग रहा है थोड़ा। अभी हम सेम इसी के अंदर ग्रोसरी मास्टर के अंदर ही क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन है बार कोड। जब भी नया आइटम आता है उसका कंपनी की तरफ से उसके ऊपर एक बार कोड लोगो होता है, उसको इसमें ऑटोमेटिक इसलिए अपडेट किया जाता है कि बार कोड रीडर से सीधा डायरेक्ट आइटम के ऊपर क्लिक करके मतलब बिलिंग में शामिल किया जाता है, नहीं तो क्या है वर्बली या मैनुअली टाइप करके भरना पड़ता है या इंडेक्स नंबर याद करना पड़ता है। तो इसमें बार कोड में ऑप्शन में क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे स्क्रीन ओपन होगी, इसमें उसका इंडेक्स नंबर क्या है, पुलमो नंबर या इंडेक्स नंबर, पुलमो नंबर भरेंगे। पुलमो भरने के बाद में यहाँ पे आइटम नाम आएगा, बार कोड, यहाँ पे सर्च ऑप्शन होगा, तो उसको पुलमो नंबर भरते ही एंटर करने से यहाँ पे नीचे एक लाइन आएगी जिसमें उसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये बार कोड रीडर से, जो ये बार कोड ये है रीडर, इसे रीड करेंगे ऑटोमेटिक वो बार कोड फीड हो जाएगा। फिर दूसरा ऑप्शन क्या है देखते हैं, ग्रोसरी मास्टर चेंज रिटेल रेट। ये चेंज रेट रिटेल रेट का तब उपयोग होता है कि जब हम जैसे कैंटीन और सामान पहले से ऑलरेडी है और डिपो से कुछ रेट की चेंज आइटम का रेट चेंज होके आया है तो इसमें आप चेंज कर सकते हो। जैसे रेट बढ़ी है तो रेट बढ़ा हुआ चेंज कर सकते हो, चेंज घटी है तो चेंज मतलब घटा सकते हो। इसमें यहाँ से प्लस किया होता है, फिर उसका इंडेक्स नंबर क्या है, इंडेक्स नंबर फिलअप करेंगे। मेमो रेफरेंस, कौन सी अथॉरिटी पर आप रेफरेंस उसमें चेंज कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन में नाम डालेंगे, ओल्ड रेट कितनी थी, न्यू रेट कितनी थी, उसमें कितना लेस लॉस गेन हो रहा है और टोटल अमाउंट लास्ट में कितना बन रहा है ये, और फिर बाद में यहाँ से सेव करेंगे। फिर चेंज मैक्सिमम प्रॉफिट वगैरह, ये प्रॉफिट भी चेंज कर सकते हैं बट अभी हमें ज़रूरत नहीं है चेंज करने की। सेम इसके अंदर ये लिक्विड ऑप्शन के अंदर भी ऐड इन्वेंट्री, कोई भी आइटम नहीं आती है तो उसमें ऐड किया जाता है और ये बार कोड उसमें फिट किए जाते हैं। चेंज रिटेल रेट में चेंज कर सकते हैं, होलसेल रेट में भी चेंज कर सकते हैं। और ये रेट एंड लेजर, रेट एंड लेजर में चेक करते हैं जब जैसे वो कैंटीन मतलब कार्ड इंसर्ट नहीं किया और किसी मतलब आइटम का रेट पता करना हो तो यहाँ से जो भी ग्रुप सेलेक्ट करेंगे और कोई भी जैसे 100 मार दिया, ये 100 यहाँ पे आ गया तो उसकी मतलब इंडिविजुअल आइटम की रेट यहाँ पे, ये रिटेल रेट है और होलसेल रेट ये है, आप पता करके कस्टमर को बता सकते हैं। वापस होम में जाएंगे, ये रिपोर्ट में आपको शाम को सेल समरी निकालनी है तो सेल्स समरी यहाँ से सेल्स में जाएंगे, ग्रोसरी की सेल समरी निकालनी है तो ग्रोसरी में जाएंगे, आइटम वाइज सेल समरी, फिर कौन से दिन का निकालना है यहाँ पे, जैसे डेट चेंज करेंगे नो कर दिया, यहाँ पे भी नो कर देंगे और जनरेट करेंगे, ये जनरेट ऑप्शन है, इससे जनरेट करेंगे जो जिस तारीख की निकालनी है समरी उस तारीख की हम समरी निकाल सकते हैं।
यहाँ पे अभी 9 तारीख को सेल नहीं थी, इसलिए यहाँ पे जनरेट हुआ नहीं है। जैसे 16 की कर दी हमने और जनरेट किया, तो ये यहाँ पे पूरी सेल समरी ओपन हो गई। सेल समरी में यहाँ से ये पेज अप डाउन करेंगे तो यहाँ पे पूरी समरी आ जाएगी, और यहाँ पे क्लोज करके ये प्रिंट देना, प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो उस कल तारीख का जो भी समरी है वो प्रिंट आउट हो जाएगी। फिर रिपोर्ट में जाएंगे, स्टॉक चेक करना तो स्टॉक में ग्रोसरी लिक्विड स्टॉक चेक कर सकते हैं आप। कस्टमर, कस्टमर में आपको कौन से, यदि पुराना बिल कोई निकालना है, पुराना कोई कस्टमर का बिल मिस्टेक है या पैसे कब ज़्यादा हो गए हैं, तो उसको बिल वाइज, सेल वाइज, आइटम वाइज सेल समरी निकाल सकते हैं, बिल वाइज निकाल सकते हैं, और कस्टमर वाइज सेल समरी भी इसमें निकाल सकते हैं। प्राइस रिवीजन, जब नई कैंटीन आती है और स्टॉक को मतलब शामिल किया जाता है रेट प्राइस करके, बाद में मिनी बुल्क आइटम को बुल्क आइटम में कन्वर्ट करके मिक्स किया जाता है, तो यहाँ पे प्राइस रिवीजन ऑप्शन में ग्रोसरी लिक्विड का जो भी है उसमें क्लिक करेंगे तो वो जो भी वेरिएशन आया, जो आपके पास पहले सामान था बाद में आया, जैसे 5 पार्ले जी आए 5 रुपये के थे और बाद में 5 पार्ले जी और आए हैं और वो 4 रुपये 80 पैसे के हो गए, जो 5 पार्ले जी पहले के बचे हुए थे उसमें 5 पैसे के हिसाब से 5 का 5 25 25 पैसे का वेरिएशन आएगा, जो माइनस में जाएगा, वो कैंटीन प्रॉफिट से मतलब उसको डाउन किया जाएगा। और ये है रिपोर्ट में जाके कैंटीन सेल समरी। कैंटीन सेल समरी के अंदर यहाँ पे जब महीने के लास्ट के अंदर डिपेंडेंसी सर्टिफिकेट हम निकालते हैं, तो डिपेंडेंसी सर्टिफिकेट निकालने के लिए यहाँ पे कैंटीन सेल समरी में क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिपेंडेंसी सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जनरेट होगी ये समरी। इस समरी के हिसाब से हम डिमांड का कलेक्शन कर सकते हैं, ग्रोसरी का कलेक्शन कितना करना, लिक्विड का कलेक्शन कितना करना, बाकी आप इसके बिना ऑथराइज नहीं कर सकते, क्योंकि ये सर्टिफिकेट जनरेट करता है कि आपकी कैंटीन को कितना रिक्वायरमेंट है।